हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लैंड और इंडिया के बीच में होने वाला थर्ड ओडीआई मैच, जो कि एज ए फाइनल के तौर पे खेला जाएगा, क्योंकि तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में फ्रेंड्स दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत लिए हैं, और ये मैच जो भी जीतेगा वो फाइनल इस सीरीज को जीत लेगा। तो ये एक डिसाइडर मैच है जो कि फ्रेंड्स हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा। तो अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम, तो फ्रेंड्स अभी मैं इन दोनों टीमों का प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा, साथ में कुछ बड़े चेंजेज हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स आइए अब बात करते हैं दोनों टीमों की, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। फ्रेंड्स ये मैच हेडिंगले लीड्स में खेला जाएगा। अगर पिच कंडीशन की बात करें फ्रेंड्स, तो एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है जहाँ पे तकरीबन 290 आराम से फ्रेंड्स रन स्कोर होते हैं। तो ये एक बैटिंग पिच है जो कि आसानी से 300 रन स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप बहुत ही स्ट्रांग है। वहीं फ्रेंड्स ये ड्राई होने की वजह से पिच आपको स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी, तो दोनों टीमों की तरफ से दो दो स्पिनर हैं, जैसे इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली और राशिद खान और आदिल रशीद सॉरी, और इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। तो स्पिनर ज़रूर इस मैच में अपना रोल निभाते हुए नज़र आएंगे और विकेट आपको लेते हुए नज़र आएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई पिच कंडीशन की बात। अब बात करें इन दोनों टीमों की लास्ट पाँच मैचों में, तो इंग्लैंड ने चार मैच जीता है, वहीं एक मैच हारा है, और इंडिया ने लास्ट पाँच मैचों में तीन मैच जीते हैं और दो मैच हारे हैं। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं दोनों टीमों की, क्या प्रोबेबल 11 हो सकते हैं। इंग्लैंड की बात करें फ्रेंड्स, तो जॉनी बेयरस्टो ओपन करेंगे, उनके साथ जेसन रॉय या फिर जेम्स विंस में से कोई एक। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जेसन रॉय जो कि पिछले मैच में कैच करने के दौरान इनकी उंगली में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से फ्रेंड्स कल भी इन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इनका मैच से पहले एक फिटनेस टेस्ट होगा। अगर उंगली में जो चोट लगी अगर वो फिट हो गए तो खेलेंगे, अदरवाइज उनकी जगह पे जेम्स विंस को आपको ओपन करते हुए नज़र आ सकते हैं। फ्रेंड्स डेविड मलान की जगह पे जेम्स विंस को लाया गया है। डेविड मलान को जो इंग्लिश T20 कप चल रहा है, T20 ब्लास्ट, उसमें खेलने के लिए इजाज़त दी गई है, तो डेविड मलान की जगह पे जेम्स विंस को लाया गया। तो अगर जेसन रॉय फिट नहीं हुए तो जेम्स विंस आपको ओपन करते हुए नज़र आएंगे। फिर जो रूट, इयान मॉर्गन, जॉस बटलर, बेन स्टोक, मोइन अली, डेविड वेली, आदिल रशीद, लियाम प्लंकेट और मार्क वुड, ये प्लेइंग 11 रहने वाली है इंग्लैंड की। तो जो रिस्की प्लेयर हैं बात करें तो सिर्फ एक जेसन रॉय या फिर जेम्स विंस में से कोई एक, बाकी के जो 10 प्लेयर हैं फ्रेंड्स वो तकरीबन सेफ हैं, तो आप इन 10 में से किसी को भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। वहीं बात करें फ्रेंड्स इंडिया की प्रोबेबल 11 की, तो शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपन करते हुए फिर से नज़र आएंगे। उसके बाद विराट कोहली, केएल राहुल, थोड़े से ओडीआई सीरीज में फॉर्म इनका गड़बड़ सा हो गया है, लेकिन उम्मीद है कि फिर से इनको मौका मिलेगा। ये हो सकता है कि केएल राहुल की जगह पे दिनेश कार्तिक को मौका मिल जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि केएल राहुल रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि T20 में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने बैटिंग करा था। तो हो सकता है केएल राहुल की जगह पे दिनेश कार्तिक को मौका मिल जाए, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज हैं बहुत ही कम है। तो उम्मीद है कि केएल राहुल को फिर से एक बार और मौका मिलेगा। उसके बाद सुरेश रैना, धोनी, हार्दिक पांड्या, चहल, कुलदीप यादव और भुवनेश्वर कुमार फ्रेंड्स जो कि फिट हो चुके हैं और प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए हैं, तो अगर इनका फिर से एक बार फिटनेस जरूर मैच से पहले लिया जाएगा। तो अगर फिट हो गए तो ज़रूर भुवनेश्वर कुमार ही खेलेंगे, और यानी भुवनेश्वर कुमार फिट हुए तो सिद्धार्थ कौल को बेंच पे बैठना पड़ेगा। तो लगभग 70% चांस है कि भुवनेश्वर कुमार इस मैच में आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, उसके बाद उमेश यादव। तो फ्रेंड्स इसमें जो रिस्की प्लेयर हैं वो भुवनेश्वर कुमार और सिद्धार्थ कौल में से कोई एक, और थोड़े से मेरा मानना है कि थोड़ा सा केएल राहुल थोड़े से रिस्की हैं, अदरवाइज आप इनको लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से इनको खेलना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया दोनों टीमों की प्लेइंग 11, अब आइए बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दें, मैंने ऑलरेडी टीम बना रखा है फ्रेंड्स, ये मैं स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहा हूँ। फ्रेंड्स आपके पास विकेट कीपर में दो ऑप्शन जॉस बटलर और एमएस धोनी हैं। जॉस बटलर अच्छे फॉर्म में है तो आप इनको रख सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए जॉस बटलर सबसे बेस्ट हैं, वहीं ग्रैंड लीग में आप एमएस धोनी के साथ जा सकते हैं। बैट्समैन की बात करें फ्रेंड्स, तो मैंने पांच बैट्समैन विराट कोहली, जॉनी बेयरस्टो, रोहित शर्मा, जो रूट,
और लुकेस राहुल थोड़े से रिस्की जरूर हैं, लेकिन रिस्की होने के बावजूद भी मैंने इनको रखा है। अगर आप इन पर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इयान मॉर्गन और सुरेश रैना जैसे अच्छे ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। बता दूं फ्रेंड्स, आपके पास शिखर धवन एक बेस्ट ऑप्शन है, ओपन करेंगे आप इनको रख सकते हैं। जैसन रॉय 50-50 चांस है, मैच से पहले फिटनेस टेस्ट हो गया, अगर फिट हो गया तो खेलेंगे, अदरवाइज नहीं तो आप इनको रखना भी चाहते हैं तो ग्रैंड लीग की टीम में रखें जैसन रॉय को। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके पास इयान मॉर्गन और सुरेश रैना जैसे बेहतरीन ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, लोकेश राहुल थोड़े से रिस्की हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो सुरेश रैना या इयान मॉर्गन में से किसी एक को रख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स जैसन रॉय फिट नहीं हुए तो जेम्स विंस आपको खेलते हुए नज़र आएंगे, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं जेम्स विंस को। ऑलराउंडर्स की बात करें तो मैंने दो ऑलराउंडर हार्दिक पांडे और मोइन अली को रखा है। फ्रेंड्स क्रेडिट न होने की वजह से मैंने बेन स्टोक को नहीं रख पाया, मैं इनको रखना चाहता था, लेकिन क्रेडिट अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो ज़रूर बेन स्टोक के साथ जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, सैम करन को इंग्लैंड टीम ने रिलीज कर दिया है T20 ब्लास्ट खेलने के लिए, तो आप इनको ना रखें, और अक्षर पटेल भी नहीं खेलेंगे। बात करें बॉलर्स की तो मैंने तीन बॉलर कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और डेविड विली को रखा है। डेविड विली को इसलिए रखा है फ्रेंड्स, पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की थी और 10 ओवर बॉलिंग करेंगे ही, तो इसलिए थोड़े से एज ऑलराउंडर के तौर पे ये खेलते हैं तो इनको रख सकते हैं। वैसे अगर आप विली को नहीं रखना चाहते हैं तो लियाम प्लंकेट एक अच्छा ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं या फिर आदिल रशीद को रख सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने दोनों ऑलराउंडर इंडिया के पिक कर लिए हैं, क्योंकि ये स्पिन जरूर आपको मदद करते हुए, स्पीच में स्पिन भी रहेगी तो विकेट निकालते हुए फिर से नज़र आ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, भुवनेश्वर कुमार थोड़े से रिस्की हैं, मैच से पहले फिटनेस टेस्ट होगा, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। उमेश यादव सेफ हैं, आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। वहीं सिद्धार्थ कौल, अगर भुवनेश्वर फिट हो गए तो ये इनको बैठना पड़ेगा और ये बैठेंगे, और मार्कवुड आपके पास ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैंने जॉनी बेयरस्टो को बना दिया और वाइस कैप्टन विराट कोहली को। वैसे फ्रेंड्स आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, बता दूं आप कुलदीप यादव को कैप्टन बना सकते हैं और वाइस कैप्टन जो रूट को। और ग्रैंड लीग के लिए फ्रेंड्स लोकेश राहुल बड़े ही अच्छे पिक हो सकते हैं, सिर्फ 27% लोगों ने इनको रखा है, तो आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हैं। और वाइस कैप्टन आपके लिए फ्रेंड्स हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। जॉस बटलर, विराट कोहली, जॉनी बेस्ट, रोहित शर्मा, जो रूट, लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, मोइन अली, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल और डेविड विली। फ्रेंड्स ये आज की मेरी ड्रीम 11 टीम। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लोकेश राहुल पे, तो इनकी जगह पे आप रैना या इयान मॉर्गन को रख सकते हैं। फ्रेंड्स जरूरी नहीं जो मैं टीम बनाया उससे आप जीते ही, तो अगर एक दो चेंजेस करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लें, और कैप्टन और वाइस कैप्टन तो खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।